अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मांझ और मैं बजट सीरीज रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माजरत करना चलूँ कि बहुत अरसे से हमने बजट सीरीज का कोई रिव्यू नहीं बनाया। उसकी वजह एक तो हमारी मसरूफियत दूसरे रिव्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी और उसके अलावा थोड़े बहुत और इशूज़ चल रहे थे जिनके साथ हम बिज़ी थे। बट इंशाल्लाह ताला अब इस सीरीज़ को बगैर तवातर के जारी रखेंगे। याद रहे कि पाक व्हील्स पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर आप गाड़ियाँ, बाइक्स या उनसे रिलेटेड ऑटो पार्ट्स बेच और खरीद सकते हैं। बजट सीरीज़ में हमने कोशिश की है अभी तक हम आपके लिए तमाम वो गाड़ियाँ लेके आएँ जो एक सर्टन बजट के अंदर फॉल करती हैं, और अभी तक हम 1 मिलियन के अंदर आने वाली गाड़ियों के ऊपर अपना रिव्यू बनाते आ रहे हैं। होंडा ने पाकिस्तान में 7th जनरेशन सिविक को लॉन्च किया था 2001 के एंड में, और 2007 के अवाइल तक, बल्कि 2006 के एंड तक यही शेप जो है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आती रही है। सो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले हम जितनी भी गाड़ियों का रिव्यू करते हैं उसमें ज़्यादातर आपको चमचमाती गाड़ियाँ नज़र आती हैं, क्योंकि वो नए मॉडल की गाड़ियाँ होती हैं और ये गाड़ी तकरीबन 13 से 14 साल पुरानी है और बजट सीरीज़ के अंदर फॉल करती है। तो हमें उसके लिए जो भी यूज़ गाड़ी में मिली हमने उसका इस्तेमाल करके एक रिव्यू बनाया ताकि आप लोगों की डिमांड जो है उसको पूरी की जा सके। सो एक्सटीरियर में अगर हम देखें इस गाड़ी को, तो 2001 में जब होंडा ने ये गाड़ी लॉन्च की थी तो उसका जो फ्रंट है वो बाकी सब कुछ उसमें सेम था सवाई इन हेडलाइट्स के और इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स के। और ये जो कलर है ये 2001 में गाड़ी में नहीं आता था, इसमें पहले डार्क ग्रे कलर आता था। 2001 से लेकर 2004 तक एक शेप आई थी। 2004 में गाड़ी का एक्सटीरियर वही रहा था, इंटीरियर में बेज इंटीरियर आ गया था और गाड़ी के अलॉयज ये वाले दे दिए गए थे जो कि हाइपर फिनिश वाले हैं, भी आपको साइड से दिखाएंगे भी। 2005 में इस गाड़ी का जो फ्रंट उसको चेंज किया गया था, जिसमें गाड़ी के दोनों फेंडर और गाड़ी का बोनट और इसका जो ये हेडलाइट है ये चेंज हो गई थी। पहले वाली लाइट बहुत छोटी थी, ये लाइट बड़ी थी और इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान में इसको उर्फ़े आम में ईगल आई भी कहा जाता है, बिकॉज इसकी आईज़ बहुत बड़ी थी या इसकी जो फ्रंट लाइट है वो बहुत बड़ी थी। इसके अलावा ये गाड़ी के अंदर फॉग लैंप्स भी आते थे, VTi ओरियल प्रोजमेटिक जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट था उसमें था, इस वाली गाड़ी में नहीं है। सो अगर आप गाड़ी को साइड से देखेंगे तो आपको गाड़ी की साइड से लुक जो है वो भी बड़ी खूबसूरत लगती थी, और 2001 से लेके 2006 के एंड तक जो लुक गाड़ी आई है उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम रही है, सवाए इस अलॉय व्हील्स के जो कि 2001 से 4 तक एक आते थे। 4 में जब गाड़ी का इंटीरियर का कलर बेज हुआ तो ये वाले अलॉय व्हील्स दे दिए गए जो कि ज़रा हाइपर फिनिश में थे। अब ये टाइम के साथ ज़रा ख़राब होकर आपको थोड़ा इसकी टेक्स्चर फ़र्क लग रहा है, मगर ये हाइपर फिनिश में होते थे और इसके साथ इम्पोर्टेड टायर आता था गाड़ी में। बाकी गाड़ी की जो VTi वेरियंट्स थे, दोनों VTi और VTi प्रोस्मैटिक और VTi ओरियल, तीन वेरिएंट्स बेसिकली थे, VTi मैनुअल, VTi प्रोस्मैटिक और VTi ओरियल, तीनों के अंदर ये अलॉय व्हील स्टैंडर्ड आता था, जबकि EXi और EXi प्रोस्मैटिक में व्हील कप आता था। बाकी गाड़ी की साइड लुक के ऊपर आप देखें तो बहुत खूबसूरती के लिए गाड़ी के अंदर एक क्रोम गार्निश जो है वो थ्रू आउट चलती थी। अगेन ये EXi वेरियंट में नहीं होती थी, सिर्फ VTi वेरियंट में होती थी, VTi प्रोस्मैटिक एंड ओरियल के अंदर ये आपको सिल्वर की या क्रोम की जो आप कह सकते हैं एक लाइनिंग नज़र आती थी। गाड़ी की अगर आप रेयर पे आ जाएं तो गाड़ी की जो 2001 में गाड़ी आती थी उसकी जो लाइट्स थी उनकी शेप सेम थी, बट उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग है वो फ़र्क कर दी थी। इसमें क्रिस्टल लाइट आ गई थी 2004 में। 2004 में जो पहला फेस लिफ्ट आया था उसमें मैंने आपको फिर बताया कि इंटीरियर का कलर, ये लाइट्स और जो गाड़ी के अलॉयज़ हैं वो चेंज हुए थे, फ्रंट लाइट सेम थी। 2005 में सिर्फ फ्रंट लाइट चेंज कर दी गई और इस फॉर्म में गाड़ी आपके सामने जैसे कि अभी है। एक और चीज़ इस गाड़ी में जो काबिल जिक्र थी, इस गाड़ी में पहली बारी अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक एंटेना था जो कि रेडियो एंटेना इसके शीशे के अंदर माउंट होता था, और आपको गाड़ी के अंदर एक्सटीरियरली कहीं भी एंटीना नज़र नहीं आता था। एक और चीज़ अगर आप गाड़ी को नीचे से दिखा सकें, आप नीचे से देखेंगे तो आपको उसके टेंशन आर्म जो है वो बड़ा एक अगली सी इसकी सीन था, अगर आप पीछे से देखें तो आपको गाड़ी में नज़र आएगा। उसकी रीज़न ये कि गाड़ी का फ्लोर बैड जो है वो फ्लैट था, उसको करने के लिए उसको नीचे रखा गया था। गाड़ी के इंटीरियर अगर हम देखें, 2001 आने वाले वेरियंट का जो इंटीरियर था उसकी शेप सेम थी, बट जो कलर है, जो इंटीरियर का कलर है वो ग्रे था, ग्रे और ब्लैक का कम्बिनेशन था। 2004 में इस गाड़ी का पहला फेसलिफ्ट आया था जिसमें एक्सटीरियर 100% सेम था, सिर्फ इंटीरियर जो है वो इसके अंदर बेज इंटीरियर दे दिया गया था, मीटर के डायल चेंज कर दिए गए थे रेड नीडल्स और ब्लू के साथ जो है मीटर ये था, इससे पहले बिल्कुल वाइट लाइट के अंदर मीटर होता था। इस गाड़ी ने बड़े अरसे तक अगर हम देखें सिविक जो है ना उसको मार्केट में बड़ी हिट गाड़ियों में से थी, रीबॉर्न से पहले CF5 जो है मेरे ख्याल से सबसे कामयाब सिविकों में से एक थी। जिस ज़माने में ये गाड़ी आई थी उस ज़माने की पहले बात कर लेते हैं, बिकॉज बजट सीरीज़ में हमेशा कोशिश में आपको करता हूँ कि मैं आपको उस एरा में लेके जाऊँ वापस जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। तो जिस टाइम पे ये गाड़ी आई थी उस ज़माने में इसका कंपेटिटर टोयोटा था। टोयोटा ने 1996 से लेकर 2002 तक एक ही शेप चलाई थी, और 2002 में करोला आई थी नई और वो बड़ा हिट जारी थी मार्केट में, और उसमें SE सैलून आती थी, 2D सैलून आती थी, XLI आती थी, GLI आती थी, 4-5 वेरियंट थे, और ये वो दौर है जब CNG जो है वो बहुत ज़्यादा चलती थी, और टोयोटा की फ्यूल एवरेज जो है वो सिविक की फ्यूल एवरेज से इसलिए बेहतर थी बिकॉज टोयोटा के अंदर 1300 CC वेरियंट था, XLI, GLI। सिविक का जो बेसिक वेरिएंट EXi था वो 1500 था, EXi प्रोस्मैटिक भी 1500 था, फिर VTi के अंदर जिस तरह मैनुअल आती थी वो 1600 थी, फिर VTi प्रोस्मैटिक वो भी 1600 थी। सो इनकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत डिफरेंट थी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इस गाड़ी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसकी फ्यूल इकोनॉमी थी। मैंने ये गाड़ी रखी है 2 साल और मुझे अंदाज़ा है इस गाड़ी का कि अगर आप इसको बहुत प्यार से, मैं कहता हूँ अगर जो प्रोस्मैटिक वेरियंट था उसको आप बहुत प्यार से चलाते थे ना, तो वो गाड़ी 9 मैक्सिमम 9.5 की एवरेज देती थी।
और इट कुड गो वर्स टू मतलब 7-7.5 की एवरेज भी दे सकती थी जो प्रोजमेटिक है. जो मैनुअल वेरिएंट है वो तकरीबन 10.5-11 की एवरेज दे देता था, अगर प्यार से चलाएं तो 12 भी दे देता था. तो उस लिहाज से फ्यूल इकोनॉमी वाज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस कार. फिर इस गाड़ी की जो उस टाइम की अगर अगेन कंपेयर करें इसके पीयर से, तो इस गाड़ी की जो सस्पेंशन थी, इसकी जो हैंडलिंग थी, दैट वॉज मच बेटर देन करोला एट दैट टाइम. और करोला उस ज़माने में बहुत रगड़ गाड़ी समझी जाती थी और असल में थी भी, जबकि सिविक ऑन द अदर हैंड वॉज अ सॉफ्टर कार जो कि सिटी कार के तौर पर ली जाती थी और उसके अंदर एक एलिगेंट टच था. तो ये उस ज़माने में मैंने आपको बता दिया कि किस लीग की गाड़ी थी. फिर इस गाड़ी के अंदर एक मुझे याद है 2004 के अंदर पहली बारी एक इन डैश तो नहीं था, आउट ऑफ डैश एक डैशबोर्ड पर यहाँ पर एक मुझे याद है वो आती थी डॉस कमांड टाइप स्क्रीन आती थी. आई विल ट्राई, मैं आप लोगों को उसकी तस्वीर भी दिखा दूँ. मेरे पास वो भी थी बट उसके कोई खास एफिकेसी नहीं थी, कोई इसका यूज़ नहीं था, फिर उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था. सो यही हेड यूनिट आता था इसमें. ये मुझे इतना याद है कि EXi के अंदर और जो EXi प्रोजमेटिक है उसमें CD चेंजर नहीं आता था. जो आपकी VTi ओरियल प्रोजमेटिक है उसमें इसके साथ CD चेंजर की ऑप्शन भी अवेलेबल थी कैनवुड के हेड यूनिट के साथ. कैनवुड का हेड यूनिट सब में स्टैंडर्ड था. बाकी गाड़ी में कोई एयर बैग नहीं था, ABS ब्रेक्स थी, अलॉय व्हील्स थे VTi के अंदर जो कि बहुत खूबसूरत थे. इसमें हाइपर फिनिश के आते थे जो CF5 या जो इसको ईगल आई कहते हैं. सो उस ज़माने में आने वाली गाड़ियों के लिहाज से मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा था. तो उस ज़माने में टोयोटा जो है उसमें पहली बारी एयर बैग आया था जो कि सिर्फ AC सैलून में था, जबकि सिविक में एयर बैग नहीं था. दूसरी चीज़ अगर गाड़ी में ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो गाड़ी में पावर विंडोज़ हैं, पावर स्टेयरिंग है, एडजस्टेबल मैनुअल एडजस्टेबल स्टेयरिंग है जो कि वन वे है, ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं होता था खाली. साइड मिरर जो गाड़ी के वो रिट्रैक्टेबल होते थे जो कि अच्छी ऑप्शन थी, जो कि उस ज़माने में एक अच्छी ऑप्शन समझी जाती थी. आज तो एक नॉर्मल ऑप्शन है बट साइड मिरर रिट्रैक्टेबल थे. उसके अलावा इस गाड़ी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये था कि गाड़ी की लुक्स बहुत पसंद की जाती थी. ये पहली सिविक थी जो कि फ्लैट बेड आया था, जिसका जो पिछले अगर आप पिछले इसका फ्लोर बेड देखें तो फ्लैट है. यही वजह है कि उसको जब आप पीछे से आम गाड़ी को आप जाते हुए देखते हैं तो आपको गाड़ी की जो पीछे से लुक है उसमें आपको एक लोहे का स्ट्रक्चर जाता नजर आता है. उसकी मेन रीज़न ये है कि इस गाड़ी में फ्लैट बेड दिया गया था, जिसकी वजह से जो पिछली सीट पे पैसेंजर बैठता था उनके लिए बड़ी आसानी होती थी. और ये गाड़ी मतलब आप लॉन्गर जर्नी में बड़े आराम से 5 लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी इस गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी शुरू में बहुत ज़रा महंगे थे पार्ट, बट आहिस्ता इसमें आफ्टर मार्केट पार्ट आते गए. और आज अगर इस ज़माने में जब हम इस गाड़ी को इस बजट सीरीज़ में इसका रिव्यू करें, बिकॉज अपने ज़माने में तो ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी थी, सो अब अगर हम कोई बंदा ये गाड़ी ले रहा था उसके पार्ट्स के बारे में सोचता है तो हाँ, इसके पार्ट्स अभी भी कंपेयर टू अदर बजट सीरीज़ की जो गाड़ियाँ हैं जिनका अभी तक हमने रिव्यू किया है उनसे सबसे महंगे हैं. बिकॉज बाकी तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ हैचबैक थी या छोटी गाड़ियाँ थी और उनके पार्ट्स पहले से सस्ते थे. इस गाड़ी के पार्ट्स जो हैं वो अभी भी उनसे तो महंगे हैं, बट येट इस गाड़ी के पार्ट्स में आफ्टर मार्केट OEM पार्ट्स अवेलेबल हैं जो कि सस्ते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने नॉन ईगल आई जो थी 2004 से जो थी मॉडल गाड़ी थी बेज इंटीरियर वाली, उसको मैंने फेसलिफ्ट किया था और मैं अच्छी तरह याद है मेरे को 35,000 रुपये लगे थे. सो मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी के जहाँ तक पार्ट्स की प्राइस की बात है वो बड़े आसानी से अवेलेबल हैं. अगर आप इस गाड़ी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो मैं PakWheels के पार्ट सेक्शन पर जाके चेक कर रहा था, तो गाड़ी के तमाम पार्ट्स तकरीबन अगर इसके हेडलाइट्स, इसके बम्पर, इसके फेंडर, इसके दरवाजे, मतलब everything was available on PakWheels.com. और आप अगर आप जाएँ तो ऑनलाइन आपको उसकी प्राइसेस भी मिल जाएंगी जो कि मेरे ख्याल से बहुत रीजनेबल वैल्यू पे आ चुकी हैं. जो 7th जनरेशन सिविक है जिसको हम लॉन्च किया गया था 2001 में, होंडा ने लॉन्च किया था पाकिस्तान में 7th जनरेशन सिविक को, और ये चली थी 2006 के एंड तक, बल्कि 2007 में भी मुझे याद है मैंने गाड़ी ली थी 0 मीटर. 2007 तक भी ये गाड़ी मौजूद थी जब रीबॉर्न लॉन्च हो चुकी थी 6 के एंड में, फिर भी 7 में पैरेलल ये गाड़ियाँ मौजूद थी. और लोगों ने उस ज़माने में, बिकॉज लोग हमेशा चेंज को रिजिस्ट करते हैं, इस गाड़ी को प्रेफर किया जाता था ओवर अ रीबॉर्न. मुझे अच्छी तरह याद है मैंने भी ये गाड़ी 0 मीटर ली थी उस टाइम पे 12,80,000 रुपये की. खैर इस टाइम पे अगर आप 7th जनरेशन सिविक की प्राइस देखें PakWheels के ऊपर, मैं देख रहा था तो वो 6 लाख रुपये से शुरू होकर तकरीबन उसकी डिमांड 11-11.5 लाख रुपये तक है. और दिस वेरियंट जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, ये ईगल आई वाला जो वर्जन है, अभी हम जो गाड़ी कर रहे हैं प्रोजमेटिक है, प्रोजमेटिक ओरियल नहीं है. तो इसके अगर टॉप ऑफ द लाइन देखें प्रोजमेटिक ओरियल, और अगर बहुत ही मैं कहता हूँ संभली हुई गाड़ी है और बहुत ही लो माइलेज गाड़ी है, लो माइलेज इस गाड़ी के लिए जिस तरह ये भी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चली है जो कि इस एज की गाड़ी के लिए मेरे ख्याल से लो माइलेज है. सो इस माइलेज की गाड़ी और बहुत अच्छी गाड़ी VTi ओरियल प्रोजमेटिक, अगर उसका जो टॉप ऑफ द लाइन UG वर्जन था, वो अभी भी मेरे ख्याल है 10-10.5 लाख रुपए की वर्थ करती है गाड़ी. मार्केट में अवेलेबल है, PakWheels पे लिस्टेड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. या मैं ये बात रिपीट करूंगा, आप जब भी कोई यूज़ गाड़ी ले रहे हैं उस गाड़ी को लेने से पहले PakWheels की इंस्पेक्शन सर्विस को यूज़ करें, ताकि आपको गाड़ी के बारे में 100% नॉलेज हो कि आप जो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है. आप घर बैठे हुए अपने लैपटॉप पे, अपने फ़ोन पे, व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल के ऊपर 210 पॉइंट्स की डिजिटल रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं.
जो कि आपको गाड़ी के सारे मेन पॉइंट्स कवर करके आपको बता देगी और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होंगे। जहाँ तक इस गाड़ी की परफॉर्मेंस का ताल्लुक था, जो 1.6 वेरिएंट था जो कि VTi था, EXi VTi दो वेरिएंट होते ज़माने में, तो जो VTi वेरिएंट था उसकी मैनुअल गाड़ी की तो मतलब अगर आप पिक वाइज भी देखें और परफॉर्मेंस वाइज भी देखें और फ्यूल एवरेज भी देखें तो वो बहुत ही आला थी। ऑटोमेटिक में गाड़ी की जो पिक है ऑब्वियसली वो कंपेयर टू मैनुअल कम थी, बट येट इट वॉज नॉट लेस देन ऑप्टिमल, बट उसकी फ्यूल इकोनॉमी वॉज वर्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया। गाड़ी की सस्पेंशन बहुत स्मूथ थी, गाड़ी की हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, गाड़ी में कोई नॉन फ्लॉज नहीं थे एज सच। सिर्फ इस गाड़ी का जहाँ तक एसी का ताल्लुक है तो अभी भी हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं इसका एसी जो है वो इतना एट पार नहीं। अगेन इतनी पुरानी गाड़ी में एसी जो है वो ख़राब होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट येट मैंने दो या तीन दफ़ा ये गाड़ी रखी है उसके एसी में मुझे तब तो प्रॉब्लम नहीं आई। इस गाड़ी की जो सस्पेंशन थी वो स्मूथ तो बहुत थी, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स था खड्डों के अंदर वो बड़ा एक अजीब सा था। और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने एक दो या तीन दफ़ा ये गाड़ी जीरो मीटर ली है, एक दफ़ा 2001 में, एक दफ़ा 2004 में, फिर 5 में, तो मुझे तीनों दफ़ा ये जैसे कहते हैं ना आई हैव दैट थिंग बैक ऑफ माई माइंड कि शायद इसकी सस्पेंशन में कोई मसला है। मैं 3-4 दफ़ा होंडा के पास लेकर भी गया, उन्होंने कहा ये नॉर्मल आवाज़ है। तो जब ये खड्डों में लगती थी तो उसकी आवाज़ बड़ी जो है ना अजीब सी आती थी, और यही वजह थी कि सिविक जो है उस ज़माने में टोटल शहरों की गाड़ी थी, और तभी ये परसेप्शन बनी थी कि ये गाड़ी शहरों के लिए बनी है। जो ही आप GT रोड पे या बड़े शहरों से बाहर निकलते थे हाईवेज़ पे, आपको सिविक की प्रेजेंस जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर नजर आती थी। उसकी वजह यही थी कि इस गाड़ी का जो खड्डों वाली सड़कें थी उन पर रिस्पॉन्स बड़ा अजीब सा था। एक और नेगेटिव पॉइंट जो इस गाड़ी का था वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी। बिकॉज मैंने आपको बताया कि इसका जो पिछला फ्लैट बेड है उसको करने के लिए गाड़ी का जो, अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि गाड़ी के पीछे आपको ना नज़र आता है उसके कंट्रोल आर्म्स जो है ना वो नॉर्मल गाड़ी से आपको नीचे नज़र आएंगे, और यही वजह ये गाड़ी जब स्पीड ब्रेकर पे जाती थी तो वो नीचे होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लगती थी। तो यस, ग्राउंड क्लियरेंस वॉज अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस कार, एंड अगेन कम्स टू द फैक्ट कि वो गाड़ी इसीलिए फिर समझी जाती थी कि सिर्फ शहरों के लिए, खड्डों पर या कच्चे पक्के रास्तों के लिए गाड़ी ज़्यादा मौजूद नहीं थी। बट अब हम इसकी आज की बातों पर आ जाते हैं कि ये तो पहले पास पे जब आई थी उस ज़माने में क्या थी। आज ये गाड़ी एक 8 लाख रुपए से लेके जो ईगल आई वाला वर्जन है 8 से 10.5 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी प्राइस है फॉर अ कंप्लीट फैमिली कार। मतलब बूट स्पेस उसकी अच्छी है, लेग स्पेस इसकी अच्छी है, हेड स्पेस इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, ABS ब्रेक्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, सो इट वॉज़ अ कम्प्लीट पैकेज। और मेरे ख्याल से ये 8 से 10 लाख रुपए के अंदर अगर आज आप कंपेयर करें तो आपको और कौन सी गाड़ी मिलती है। 8 से 10 लाख रुपए में आपको यूज्ड टोयोटा करोला XLi मिलेगी जो कि 1300 cc है, GLi मिल जाएगी 2005 की 6 की, टोयोटा करोला SC सैलून ऑटोमेटिक जो आती थी 1600 cc वो भी आपको मिल जाएगी 2004-5 की इस प्राइस में, और ये मिल जाएगी। इसके अलावा नई तो कोई भी गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं आती, मतलब मिनिमम प्राइस स्टार्टिंग ऑफ महरान 8.5 लाख रुपये है, तो महरान की प्राइस में अगर आपको ये सारी ऑप्शन मिल रही हैं। बट बजट सीरीज़ में कोई नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का तो वो इसकी फ्यूल एवरेज और फ्यूल प्राइसेस हैं। बिकॉज अब तो CNG अवेलेबल भी नहीं है, ना ही CNG का दौर है, तो जिसने भी लेनी है उसने पेट्रोल पे चलानी है, और तकरीबन 100 रुपये के करीब पेट्रोल का रेट है, और ये गाड़ी अगर 1 लीटर के अंदर आपको 8 किलोमीटर देती है तो उस लिहाज से ये बजट सीरीज़ के लिए अगर हम देखें तो बजट, जिस बंदे ने एक लिमिटेड बजट में गाड़ी लेनी है उसको जो है फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस कार आई गेस। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा ख्याल है सिविक का पहला वेरिएंट था जिसमें ऑटोमेटिक से इन्होंने शिफ्ट किया था प्रोस्मेटिक टेक्नोलॉजी पे। प्रोस्मेटिक टेक्नोलॉजी वॉज सुपीरियर एंड डिफरेंट इन अ वे, जब इसे पहले ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप गियर शिफ्ट करते थे तो एक बहुत जोर का झटका आता था। तो सिविक वॉज पायनियर इन पाकिस्तान, होंडा वॉज पायनियर इन पाकिस्तान इनफैक्ट, जो कि प्रोस्मेटिक टेक्नोलॉजी लेके आए थे, और सबसे पहले उन्होंने अपनी सिविक में इंट्रोड्यूस कराया था। सिटी में प्रोस्मेटिक उन्होंने जाके 2011 के भी बाद, बल्कि इनफैक्ट 12 के मिड में जाके इंट्रोड्यूस कराया था। तो पहले आने वाली ऑटोमेटिक सिटी भी नॉर्मल ऑटोमेटिक थी, इससे पहले आने वाली सिविक भी नॉर्मल ऑटोमेटिक थी, इसमें प्रोस्मेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी जिसका जो गियर शिफ्ट है वो बहुत स्मूथ होता था। अगर आप यूज गाड़ी लेना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के ऊपर 900 के करीब यूज गाड़ियाँ 7th generation सिविक लगी हुई हैं जिनकी प्राइस रेंज मैंने आपको बताया 6.5 से तकरीबन 10.5 लाख रुपये है। तो आप पाक व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे जाके अपनी मर्जी की गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये था व्यूज़ आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करें, अगर आपको कोई कमेंट है इसके बारे में या आप इसके बारे में कोई और राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आता रहे। हम कोशिश करते हैं कि आपकी राय को पढ़ के उसको इनकॉर्पोरेट करके अपने रिव्यूज़ को पहले से बेहतर बनाएं। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट रिव्यू में ज़रूर मुलाकात होगी। Starting the games only on PakWheels.